मेरे सामने इस वक्त मौलाना गुलाम रसूल बलियावी जी है, जो राज्यसभा के पूर्व सांसद है, बिहार के MLC और जदयू के राष्ट्रीय महासचिव है। सबसे पहले बलियावी जी, आपसे पहला सवाल कि बिहार में आपकी पार्टी का भाजपा के साथ अलायंस है, क्या आप व्यक्तिगत तौर पर भाजपा को सांप्रदायिक पार्टी मानते हैं? बिहार में जनता दल यू की और BJP की सिर्फ ये दो दल की सरकार नहीं है, NDA की सरकार है। NDA में हम पार्टी भी है और NDA में हमारे भाई वो सहनी भाई की भी पार्टी है, तो चार पार्टियों की मिलाकर के बिहार में सरकार है। पार्टी में गठबंधन चाहे जिसके साथ हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं तो सभी जात, सभी धर्म, सभी मजहब का वोट की परवाह किए बगैर तरक्की और विकास हो रहा है, जनता संतुष्ट है। सर, मेरा सवाल था कि भाजपा को आप सांप्रदायिक पार्टी मानते हैं या नहीं? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं में जब आप सेकुलर कौन है, कॉमनल कौन है, इसका लाइसेंस किसी व्यक्ति को देने का अधिकार नहीं है। भाजपा पूरे पश्चिम बंगाल में और पूरे भारत में NRC लागू करने के पक्ष में, आपका क्या, आपकी पार्टी का क्या? खबर तो सुने थे लेकिन लागू होने की बात तो चुनाव में किसी ने नहीं किया। लेकिन भाजपा के नेता तो बार बार NRC को ही विधानसभा चुनाव में इसी बात को उछाल रहे हैं। और वही भारत की सरकार सदन में कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कदापि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। NRC होता है तो जदयू का क्या पक्ष होता है? अरे भैया, मेरे NRC के चक्कर में आप क्यों पड़े हैं? क्यों नहीं आप इशू ला रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज कितना बना माइनॉरिटीज के लिए, कितना इंजीनियरिंग कॉलेज बना माइनॉरिटीज़ के बच्चों को, कितना आपने सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया, कितना आपने सुविधा दिया, कितना आपने पुलिस प्रशासन में, 33% जिस वेस्ट बंगाल में मुसलमानों की आबादी हो और सिर्फ 2% हिस्सेदारी हो, ऐसी व्यवस्था पर लानत है, लानत लानत। बिहार को देख लीजिए उठा करके, शब्दों से पेट नहीं भरते हैं, हिस्सेदारी चाहिए। स्टेट सर्विस कमीशन में 108 बच्चे इसी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार में, इसी NDA की सरकार में हमारे बच्चे स्टेट सर्विस कमीशन क्वालिफाई किए, BDO बने, CO बने, आपके SDO बने, DSP बने, दारोगा बने। इसलिए जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनसे मैं दो शब्दों में कहूँगा कि लफ्ज़ों के जज्बात में नहीं, हिस्सेदारी के लिए। और जब तक कि आप हराने के लिए ये कौम किसी को वोट देते रहेगी, तब तक इस कौम की नस्लों का रोशन मुस्तकबिल का सूरज नहीं निकलने वाला है। 10 सालों से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हुकूमत है, क्या लगता है इससे 10 सालों में माइनॉरिटीज़ का कुछ भला हुआ, डेवलपमेंट? अब तो यहाँ के लोग ही बताएंगे। हम तो अब जनता दल यू निकल रहा है, अब पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, तो मैं भी निकलूंगा, मैं भी देखूंगा कि जिस तरह से वन साइड बोरा में कस के माइनॉरिटीज ने वोट के साथ, सपोर्ट के साथ विश्वास किया है, तो हम भी देखेंगे कि कितने बच्चों को मेडिकल में फैसिलिटीज मिली, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज मिले, कितने पुलिस में बहाली हुई, कितने सेक्रेटेरिएट में बहाली हुई, कितने बच्चों का पोस्टिंग हुआ है, ये सब तो देखेंगे घूमकर, वक्त आएगा, एक एक चीज़ देखेंगे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा का कमीशन की रिपोर्ट का बिहार में क्या कितना लागू हुआ, इसको आप वेबसाइट पर देख लीजिए, बहुत हद तक समझ में आ जाएगा। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट दिखाकर सेकुलर कहलाने वाले लोगों ने मुसलमानों का सिर्फ वोट लूटा है और वोट की परवाह किए बगैर अगर किसी राज्य में मुसलमानों के बच्चों के हक की बात किया है, काम किया है, तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया है। कल हम लोगों ने देखा कि PM मोदी जी से तमाम पार्टी बिहार के सब मिले थे और जातिवादी सेंसस का आप लोगों ने उनसे कहा कि किया जाए, क्या है ये? जातिवादी नहीं है, जातीय आधारित है। इस पर सभी दल के लोगों ने, सभी पार्टी के लोगों ने बिहार विधानसभा में
साझा प्रस्ताव पारित करके जातीय आधारित जनगणना की बात की है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे नेता मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी दलों के नेताओं से बात की, मिले और मिलने के बाद उन्होंने गंभीरतापूर्वक सुना। अब उनके फैसले का हम लोग इंतजार। जदयू की ओर से पश्चिम बंगाल की जनता से क्या कहना चाहेंगे? अब भी जेडीयू की तरफ से हम लोग अपनी पार्टी के संगठन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं और जो जो काम बिहार में हुआ है जिसको अन्य स्टेट और राज्य ने फॉलो किया है, हम चाहेंगे कि जब वोट न मिलने की सूरत में बिहार में मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, सभी तबका, सभी धर्म के लिए जब नीतीश कुमार जी ने इतना काम किया है तो दीदी को तो वेस्ट बंगाल के सभी तबके के लोगों ने होलसेल वोट दिया है, इसलिए हमको तो उम्मीद है कि दीदी इस पर दया ज़रूर करेंगी। बहुत ठीक।